नमस्कार, बीटी न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनाक्षी ठाकुर। जब सरपंच ही करे दादागिरी तो आम लोग क्या करें। जी, ऐसे ही एक मामला बलिया अनुमंडल के डंडारी थाना क्षेत्र की है। हालांकि यह घटना पिछले 7 अप्रैल को हुई है, जिसकी प्राथमिकी भी दर्ज कर ली गई है। थाना कांड संख्या 55/20 के अनुसार दबंग सरपंच एवं उनके गुर्गों के ऊपर स्थल निरीक्षण करने के बाद कई संगीन धाराएं भी लगा दी गई है। परंतु इतने दिनों बाद भी सरपंच और उनके गुर्गों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। रोजाना कई तरीके से दबंग सरपंच कटरमाला उत्तरी के शिवजी पासवान के द्वारा पीड़ित परिवार को गांव से भगा देने की धमकी मिल रही है। अब सवाल है कि आखिर थाना प्रभारी डंडारी किनके दबाव में आकर 307 आरोपितों को खुल्लम खुल्ला यूं छूट दे दी गई है। आप खुद ही देख लीजिए कि पीड़ित परिवार किस तरीके से न्याय की दर दर ठोकरें खा रहा है। ग्रामपुर से सोनी कोठरी पंचायत उत्तरी कटरमला थाना डंडारी पड़ता है और मेरे साथ 7/5/2020 को बहुत बुरी तरह मारपीट हुआ है सर। उसमें जो है मेरी मम्मी, मेरी पत्नी, मेरा पिताजी और मेरे साथ बहुत ये बुरी तरह से मारपीट किए हैं। उसमें जो है सरपंच साहब हैं अभी वर्तमान में, वही आदेश दिए थे कि जाके सबको जान से मार दो। उसके बाद पुष्पति पासवान, सुरेंद्र पासवान, मुरारी पासवान, विशाल पासवान, सुभाष पासवान, रेणु देवी पति विकास पासवान, पूनम देवी पति शिवजी पासवान, ये सभी रंजन पासवान, ये सभी जो है ना 10 आदमी, राजकिशोर पासवान, ये सभी 10 आदमी मिल करके जो है मेरे घर पे चढ़ करके 7/5/2020 को 1 बजे दिन में मेरे साथ मारपीट किया। उसका वीडियो तो नहीं, फोटो भी है मेरे पास। और जब उसका FIR हो गया था, डंडारी थाना आए मौके पर, उन्होंने अपना जो इंक्वायरी उनको लेके करके गए। उसके बाद हम चले गए डंडारी और क्षेत्रीय हॉस्पिटल, वहाँ इलाज पट्टी हुआ। उसके बाद वहाँ से रेफर किए तो सदर अस्पताल गए बेगूसराय। बेगूसराय जाने के बाद वहाँ से जो है इलाज बैंडेज पट्टी हो गया, पिताजी को भी हाथ टूट गया था, इंजुरी भी सब गिरीबिया से है। उसके बाद सुपरविजन में इंस्पेक्टर साहब आए 6-7 दिन बाद। उन्होंने सुपरविजन में घटना सत्य पाए गए। उसके बाद फिर हमको गिरफ्तारी का आदेश जो है DSP साहब रोक दिए थे मुजरिम सबको, कि नहीं अभी गिरफ्तारी नहीं करना, इसका पूरा जांच पड़ताल होगा। उसके बाद वो लोग मतलब जो है ना दबंग टाइप का आदमी है सभी, और हमको चाहते हैं कि आई किसी तरह गांव से भाग जाए और इसका जमीन उमीन जो है हड़प लें और अपना काम गांव से भागे रहे ये लोग। महोदय जी से यही निवेदन है मेरा कि जो अपराधी किस्म का आदमी है सभी, वो सब इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सिकंदर यादव है। मेरा नाम अनिता देवी, मेरे हाँ दिया 4 बजे से मुटाका लगा हुआ है सर। घंटे बाद मेरा ससुर जी का हाथ टूट गया, माथा में 4-5 बार माथा में लगा हुआ है। उनके बाद भंडारी थाना खबर दिए तो गिरफ्तार उस पास में गए थे हम, वो गए थे सर दंडारी हॉस्पिटल, हवा पर दबाएँ तो दंडारी हॉस्पिटल गए तो कुछ इलाज पानी बोले करें दंडारी हॉस्पिटल हॉस्पिटल, उनके बाद रेफर कर दिया बेगूसराय। बेगूसराय में इलाज कराकर हम तब FIR दर्ज हुआ। उनके बाद 55 डिस्केस नंबर है तो उनके बाद हम DSP साहब को मिले हैं, तो बोला क्या आगे सजाओ गिरफ्तारी करो। 5 बार भी आवेदन दे चुके हैं DSP सबको दिए, लेकिन इस पर कोई कानून कार्रवाई नहीं हो रहा है।
सब गिरफ्तारी गाँव पर घूम रहा था, आकर गाली गलम आपको कर रहा था, हमको पीछे जल्दी केस उठा ना तो मार देंगे जान से। इसका पास को घटना है, DSP साहब रोक लगा दिया है, इसी पर इसका जाँच पड़ताल के साथ दोनों गिरफ्तारी होना चाहिए।